ठीक है, तो ये आज हम टेस्ट करने वाले हैं कैनन के USR कैमरे को। तो ये वाला जो कैमरा है ये कैनन का फर्स्ट मिररलेस कैमरा है जो कि कैनन ने काफ़ी अरसे के बाद जो है काफ़ी सालों की मेहनत के बाद जो है लॉन्च किया है। तो यहाँ पर जो कैनन का सबसे महंगा DSLR है वो 5D Mark IV है और इसकी प्राइस जो है वो 5D Mark IV से कम है। और जहाँ तक मैंने इसको यूज़ किया है और कैनन जो है 5D Mark IV को यूज़ किया है, इसका रिजल्ट जो है वो कैनन 5D Mark IV से 1000% जो है वो ज़्यादा है। तो चलिए आज हम भी इसको टेस्ट करके देखते हैं। हमारे चैनल पे 5D Mark IV का रिव्यू भी पड़ा है, तो चलिए देखते हैं ये उससे बेहतर है कि नहीं। तो यहाँ पर जो हम इसका टेस्ट करेंगे सनलाइट में, लो लाइट में, नाइट में, इसके अलावा वेडिंग में और जो है स्टूडियो में, इन पांच जगह पे हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। इसके हर हर फीचर को हम टेस्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। फिर आज की वीडियो के हमारे जो है वो चार स्टेप है। पहले स्टेप में आपको जो इस कैमरे की बेस्ट सेटिंग बताऊंगा जो कि आप कैनन के और भी मिररलेस जितने भी कैमराज है सब पे यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो हम इस कैमरे से फोटोग्राफी करेंगे हर तरह की लाइट सिचुएशन में। तीसरे नंबर पर आपको जो इस कैमरे के की फीचर सारे बताऊंगा और चौथे नंबर पर इस कैमरे की आपको न्यू एंड यूज में प्राइस गाइड करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले नंबर पर जो इस कैमरे की बेस्ट सेटिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने इस कैमरे को ऑन जो ऑफ करना है, जैसे ही आप ऑन करते हैं तो यहाँ पर LED के ऊपर आपको ये सारी जो है इसकी शटर स्पीड, अपर्चर, ISO की इन्फॉर्मेशन और बैटरी की इन्फॉर्मेशन देता है। और यहाँ पर जैसे आप मूड का बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आप इसको इसका मूड चेंज कर सकते हैं, मैनुअल में, ऑटो में या जो भी आपने मूड रखना है। इसके बाद यहाँ से आप देखें तो यहाँ पर इन्फो का बटन दबाने का वो कह रहा है। अगर आप इन्फो का बटन दबाते हैं तो आप फोटोग्राफी मूड से वीडियोग्राफी मूड में और वीडियोग्राफी मूड से फोटोग्राफी मूड में जा सकते हैं। इन्फो का जो है यहाँ पर नीचे वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। फिर एक और जो है फोटोग्राफर्स की जो मुश्किल यहाँ पर कैनन ने हल कर दी है, यहाँ पर आप जैसे ये बटन दबाएंगे तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अपनी दिखाता है कि आपका पिक्चर स्टाइल कौन सा है, फोकस पॉइंट कितने हैं, फोकस कौन सा है, फ्लैश वगैरह, इसके अलावा वीडियो की सारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको नजर आती है। तो यहाँ पर इस बटन से जो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद ये लॉक का बटन है, ये दो डायल है, एक ये मल्टी फंक्शन बार का बटन है। मल्टी फंक्शन बार जो यहाँ पर दी गई है इसको बाद में आपको दिखाता हूँ, इसका बटन जो है यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर ये डायल जो है इसकी शटर स्पीड को और ये वाला अपर्चर को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर जो है अगर आप एक बार इस बटन को दबाएंगे तो ये लाइव मोड में चला जाएगा। इसको दोबारा एक दो बार दबाएंगे तो ये जो है आपके इस तरीके के मेन्यू में आ जाएगा। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन लिखी नजर आ रही है। यहाँ पर पिक्चर स्टाइल जो है स्टैंडर्ड पर रखना है आपने, या अगर आप वेडिंग को शूट करें या पोर्ट्रेट पर रखें। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है आपने इसको जो है लाइट ऑप्टिमाइजर को हमेशा जो है फुल के ऊपर रखना है। इसके बाद अगर आप देखें ऑटो फोकस को यहाँ पर जो है AF मेथड के ऊपर, यहाँ पर इसके ऊपर वन पॉइंट के ऊपर जो आपने हमेशा यूज करना है। इसके ऊपर मुझे सबसे अच्छे जो है वो यहाँ पर शॉर्ट्स मिले हैं। जो इसकी जो है पिक्चर क्वालिटी उसको आप हमेशा लार्ज के ऊपर रखें। मेन्यू के अंदर कुछ एक दो सेटिंग है जो आपने देखनी है। यहाँ से आप जो वाइट बैलेंस यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इसके अलावा वाइट बैलेंस आप बाहर से भी कर सकते हैं, इन्फो से भी कर सकते हैं। इसके बाद जो और आपने कोई सेटिंग नहीं छेड़नी, सारी सेटिंग जो है वो आप बाय डिफॉल्ट रहने दें तो अच्छी बात है। इसके बाद जो आपने यहाँ पर सेटिंग के अंदर जो है सेटिंग से अगले वाले ऑप्शन में आकर यहाँ पर एक जो सेटिंग आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मल्टी फंक्शन बार, ठीक है। ये वाली सेटिंग जो आप लाजमी कर ले। यहाँ पर मैंने ISO को रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो है इसकी जो है बटन है, यहाँ से आप दबाएंगे तो आपकी ISO की स्पीड कम या ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो है एक बटन नया जो है कैनन ने ऐड किया है, तो इसको आपने यहाँ से ऑपरेट करना है। ऊपर से भी ऑपरेट कर सकते हैं मल्टी फंक्शन जो मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ से सेटिंग के अंदर आकर जो है इसके अंदर आप कोई भी सेटिंग यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ISO है। इसके बाद जो आप अगर और कोई सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, देखिए वाइट बैलेंस भी यहाँ पर ला सकते हैं, फोकस पॉइंट, मूवी रिकॉर्डिंग, जो भी आप चाहें तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि ये देखें मैंने जी यहाँ पर वाइट बैलेंस कर दिया है, तो अब जब भी आप इसको दबाएंगे तो आपका वाइट बैलेंस आगे पीछे होगा। यहाँ पर जो सनलाइट फोटोग्राफी टेस्ट है वो हमने जो है दोपहर के 1 बजे किया है फुल हार्श सनलाइट में। इसके अलावा जहाँ पर 70-200 2.8 जो है IS2 लेंस यूज किया है और यहाँ पर हमने मोशन कैप्चर करने की ट्राई की है। इस कैमरे की 8 FPS कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड है, उसको जो है हमने टेस्ट करने की ट्राई की है। पिक्चर जो है मोशन में खींची है, फिर भी आप देखें हमारी फोटो काफ़ी अच्छी निकल रही है, शार्प निकल रही है, ब्लर नहीं हुई, शेक नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि इस कैमरे की कंटिन्यूस जो है शूटिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है, आप मोशन में काफ़ी अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर यहां पर हमने इसे ऑटो फोकस टेस्ट करने की ट्राई की है और यहां पर ऑटो फोकस भी हमने थोड़ा मोशन में जो है इसका टेस्ट किया है। तो यहां पर इस कैमरे के ऑटो फोकस पॉइंट जो है वो 5000+ है। उन सब का कमाल देखें कि हमारी चलते फिरते भी तस्वीर काफ़ी अच्छी निकल कर आई है, यानी कि आप रैंडम तस्वीरें इस कैमरे से काफ़ी अच्छी जो है वो निकाल सकते हैं। और इन दोनों पिक्चर के ऊपर हमने जो है न्यू वन क्लिक फिल्टर बनाकर जो है वो अप्लाई किए हैं, जिससे हमारी एक क्लिक के अंदर ही बहुत ही अच्छी कलर टोन जो बन चुकी है। जी तो यहाँ पर जो लो लाइट टेस्ट है वो हमने शाम के 6 से 7 बजे के दरमियान किया है, जहाँ पर फुल लो लाइट है,
कोई भी एक्सटर्नल लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने ये देखने की ट्राई की है कि इसका ISO रेंज कैसी है, ग्रेन्स तो नहीं आते इस कैमरे के अंदर। तो यहाँ पर ये पिक्चर फुल लो लाइट में खींची और जूम करके देखेंगे तो आपको ग्रेन्स नहीं दिखेंगे, आपकी क्वालिटी जो पिक्चर की फुल क्लियर आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला कैमरा जो है आपको लो लाइट में भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, अच्छा रिजल्ट जो है यहाँ पर निकाल के देगा। तो यहाँ पर हमने जो दूसरी पिक्चर है यहाँ पर लो लाइट में हमने इसका कैमरे का ब्लर एंड बुके और क्वालिटी चेक करने की ट्राई की है, क्योंकि जो है लो लाइट के अंदर आपके कैमरे की क्वालिटी भी कम हो जाती है। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमें बुके भी काफी अच्छा मिला है, ब्लर भी काफी अच्छा है और पिक्चर की क्वालिटी को जूम करके देखें तो पिक्चर की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। यहां पर जो है मैंने इस कैमरे की जो पिक्चर स्टाइल है वहां से जो है इसकी शार्पनेस कम की हुई है, फिर भी जो है काफी अच्छी शार्पनेस मिली है और दोनों पिक्चर के ऊपर वन क्लिक फिल्टर लगाया है। तो इस वेडिंग फोटोग्राफी टेस्ट के लिए जो है मैरिज हॉल की लॉबी के अंदर आए हैं, लॉबी के अंदर ही जो हम कैंडिड फोटोशूट, कपल फोटोशूट, ब्राइडल फोटोशूट वगैरह करते हैं और यहाँ पर हमने 8600 BM लाइट यूज की है और यहाँ पर जो हमें क्वालिटी चाहिए होती है पिक्चर की, क्योंकि हमने पिक्चर जो प्रिंट करवा कर देनी होती है। यहाँ पर अगर आप फोटो को जूम करके देखें तो काफी अच्छी क्वालिटी है जो कि आपकी प्रिंट होकर और भी इनहेंस होकर निकलती है। तो यहाँ पर इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है 8 MB से लेकर 15 MB के दरमियान आपको कहीं पे मिलती है जो कि काफी अच्छी है। और जो दूसरी चीज हमें चाहिए होती है वो हमें कलर टून चाहिए होती है। तो यहाँ पर कलर टून जो बहुत कमाल की इसकी निकल कर आती है, उसकी वजह ये है कि कैनन की वैसे कलर टून बहुत अच्छी निकल कर आती है और ये मिररलेस है, मिररलेस में और भी अच्छी निकल कर आती है। वेडिंग फोटोशूट में हमने जो क्लाइंट्स को जो है रॉ पिक्चर देनी होती है ताकि वो जो है देख सकें, तो यहाँ पर आप जो है रॉ पिक्चर जो है क्लाइंट को बेधड़क होकर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पिक्चर की क्वालिटी पहले ही बहुत अच्छी आएगी, आपको एडिट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको क्लाइंट जो है बहुत हैप्पी होगा। तो यहाँ पर वेडिंग फोटोग्राफी के लिए एक जो आइडियल कैमरा है, आप इसे आंखें बंद करके बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाइट फोटोग्राफी टेस्ट के लिए जो हमने दो लाइट यूज की है, एक 8600 BM, दूसरी जो है फ्लैश लाइट यूज की है। और यहाँ पर जो है हमने इसके टच स्क्रीन फोकस को टेस्ट करने की ट्राई की है, हमने कैमरे को लाइव मोड पे डाला और यहाँ पर जो है इसके टच से फोकस किया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो टच से फोकस करना बहुत ही ईजी है, आप जो कई तरह के शॉट जो वो ले सकते हैं और पिक्चर की क्वालिटी आपने जूम करके खुद ही देखी है, यानी कि टच से भी आप बहुत अच्छा फोकस कर सकते हैं, आपका फोकस जो है वो शेक नहीं होगा, आपका फोकस बिल्कुल नहीं हिलेगा, क्योंकि ये जो है मिररलेस कैमरा है। तो यहाँ पर जो दूसरी पिक्चर है यहाँ पर भी हमने वही जो है लाइट सेटअप यूज़ की है और यहाँ पर जो है हमने इसकी कैमरे की डेप्थ ऑफ फील्ड और जो हाईलाइट और शेडोज में डिटेल कितनी हमें मिलती है वो चेक करने की ट्राई की है। यहाँ पर लो लाइट है और नाइट है और यहाँ पर अगर आप देखें जूम करके पिक्चर को, इस कैमरे के जो डार्क पार्ट है वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी डिटेल मिलती है, काफ़ी अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है, काफ़ी अच्छे ब्लर एंड बुके भी मिलते हैं। तो यहाँ पर ये वाला कैमरा जो है नाइट में आपको काफ़ी अच्छी जो है वो पिक्चर क्वालिटी देगा। जी तो इंडोर स्टूडियो टेस्ट के अंदर जो हमने वही जो है दो लाइट्स यूज़ किए, 8600 BM जो है ओक्टा बोस के साथ फ्रंट से और जो फ्लैश लाइट को बैक साइड से हमने सिंपली यूज़ की है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या चाहिए होता है, इंडोर स्टूडियो में हमने फैशन फोटोशूट करने होते हैं, इसके अलावा ई कॉमर्स के ब्रांड्स के फोटोशूट करने होते हैं, तो यहाँ पर हमें जो पिक्चर का हर एक पार्ट जो है वो हमें क्लियर चाहिए होता है, कहीं पे भी ब्लर नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमारी ये फुल पिक्चर को अगर हम जूम करें तो यहाँ पर बहुत ही शार्प जो है पिक्चर निकल कर आई है, बहुत ही क्लियर निकल कर आई है। तो आपका ब्रांड फोटोशूट में, फैशन फोटोशूट में ये कैमरा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये जो सारी पिक्चर आज हमने बनाई है, आज जितनी पिक्चर बनाई उन सबके जो है वन क्लिक फिल्टर जो है मैंने तैयार किए हैं, बहुत ही अच्छे प्रीसेट जो है वो तैयार किए हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन्हें लाजमी बाय कर लें। अगर आप एडिटिंग के शौकीन हैं या आप जो है एडिटिंग का प्रोफेशनल काम करते हैं, अगर आप जो है अपने एल्बम वगैरह डिजाइनिंग करते हैं, तो ये फिल्टर जो है आपकी लाइफ चेंज कर देंगे और आपकी हर पिक्चर है बहुत ही अच्छी कलर टोन में निकल कर आएगी। चलिए अब जो है तीसरे नंबर पर इस कैमरे के की फीचर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो कैमरा है ये 30 MP का मिररलेस कैमरा है और यहाँ पर जो है DigiC 8 जो है लेटेस्ट प्रोसेसर जो है यहाँ पर इस कैमरे में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर इस कैमरे के अंदर जो है वो डुअल पिक्सल ऑटो फोकस यूज़ किया गया है और यहाँ पर इस कैमरे के जो ऑटो फोकस पॉइंट हैं वो 5655 जो है इसके अंदर जो ऑटो फोकस पॉइंट दिए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर अगर इस कैमरे के व्यू फाइंडर की बात की जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर दिया गया है और जो है सेंसर के साथ दिया गया है। जैसे ही आप अंदर देखेंगे तो इस कैमरे की स्क्रीन जो है ऑफ हो जाएगी। इस कैमरे की जो स्क्रीन है जो यहाँ पर हमें LED दी गई है वो 3.2 इंचज़ की टच स्क्रीन LED दी गई है, जिसको आप जो है हर तरफ जो है रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इस कैमरे की कंटिन्यूस शटर स्पीड की बात की जाए तो 8 FPS यहाँ पर जो है आपको
कंटिन्यूस शटर स्पीड मिलती है। इसके बाद जो इसका ISO है वो आप जो 1,24,000 तक जो एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो कैनन ने अपने कैमरे में एक नई चीज़ मुतारफ कराई है जिसे आप मल्टी फंक्शन बार कहते हैं, इसका भी मैं आपको फीचर समझाऊंगा। ये एक जो है नई चीज़ कैनन ने डाली है। फिर यहाँ पर जब इस कैमरे के मैक्सिमम शटर स्पीड की बात की जाए तो 8,000 तक जो आप इसकी मैक्सिमम शटर स्पीड जो है वो लेके जा सकते हैं, जो कि स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए, मोशन फोटोग्राफी के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। फिर यहाँ पर इस कैमरे की जो बैटरी है वो 370 शॉट जो है वो ले सकती है एक बार फुल करने पर। तो चलिए जो चौथे नंबर पे इस कैमरे की प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो कैमरा है ये आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है $1,800 के अंदर जो है मिल जाएगा। अगर आप इसको यूज़ में बाय करना चाहते हैं आपको $1,500-1,600 के राउंड बोर्ड ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाजमी कमेंट में बताइएगा। मेरी फोटोग्राफी को, मेरी फोटो एडिटिंग को लाजमी कमेंट में रेट कीजिएगा 10 में से। इसके बाद जो है ये जो सारी पिक्चर मैंने निकाली है इनका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अभी जाकर इनको डाउनलोड करें, बनाकर जो है मुझे सेंड करें, अच्छी सी बनाएं, मेरी तरह की बनाएं, मुझे सेंड करें। अगर मुझे पसंद आएगी तो मेरा वन क्लिक फिल्टर जो आपको बिल्कुल फ्री में भी दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो तक के लिए बाय।